बिखर गए पुलिस बनने के सपने, वर्दी धारण करेंगे, चट्टी चौराहों से लेकर के थाने तक ड्यूटी करेंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी हमारे ऊपर, लेकिन हो गए ओवर एज। दोस्तों, यह मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी बनने का सपना तार तार हो गया, सेवा करने के अवसर जो मिलने थे वह सारे सपने चकनाचूर हो गए। अपनी ही घोषणाओं पर बार बार पानी फेरती गई उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए योगी सरकार। क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इनके करनी और कथनी में काफ़ी अंतर हो गया। इसका दर्द तो वही जान पाएगा, वही बता पाएंगे जिनकी तैयारी करते करते उम्र खत्म हो गई, अथवा उनकी धड़कन कभी कभी टटोल कर देखिए, जिनकी उम्र कुछ महीने कुछ दिन और शेष बची है, सपने टूट गए हैं, रात भर उनको नींद नहीं आती है और सोचते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही फील्ड में जाना हुआ था वैसे ही वर्दी के सपने थे, जैसे ही गए फिजिकल करने वैसे ही सपने साकार होने के लिए सोचते रहे, लेकिन जैसे ही कोचिंग में गए वैसे ही लगा कि हम तो अच्छी तैयारी करेंगे और इस कंपटीशन में हम क्वालिफाई करेंगे, इसे सब कुछ खत्म हो गया। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार पदासीन होने के बाद 2018 में 41,520 पदों पर भर्ती निकलती है, जो संपन्न भी हो गई। 49,568 पदों पर भर्ती संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश के मानक के अनुसार अभी भी आरक्षी एवं उप निरीक्षक की रिक्तता थी, इसलिए बच्चों में काफ़ी उत्साह था भर्ती के लिए। चूँकि आबादी के अनुसार थानों पर अभी भी आरक्षी उप निरीक्षक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। प्रकाश सिंह जी ने जो याचिका किया था सुप्रीम कोर्ट में, इन लोगों ने, प्रकाश सिंह जी डीजीपी रहे हैं, कद्दावर आईपीएस अफसर रहे हैं, उनकी याचिका पर यह बात छन करके आई थी कि आरक्षी प्रधान आरक्षी उप निरीक्षक इनकी संख्या काफ़ी कम है। घोषणा की गई कि हम 2019 में अगली भर्ती फिर से निकालेंगे। 2019 बीता, 2020 आया, 2021 आया, 2022 समाप्त हो गया। 2019 में संसदीय चुनाव होने थे, युवाओं को भरोसा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकलेगी, हमें लाभ मिलेगा। आगे चलकर उन्हें लगा कि 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में पीएससी की फायर ब्रिगेड की भर्ती जरूर होगी, किंतु उस पर भी पानी फिर गया। दोस्तों, हजारों हजार बच्चे ओवर एज हो गए। 2022 के चुनाव से पहले 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के 26,210 पद और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती किए जाने की घोषणा कर दी गई। उत्साह जगा, फिर से एक बार कोचिंग गुलजार हो गए और फील्ड पर सड़क पर बच्चे दिखने लगे। कहा गया कि परीक्षा संपादित करने वाली कंपनी टेंडर जो होगा उन्हें आमंत्रित किया गया है, लेकिन यह तो केवल और केवल सोची समझी चाल थी, एक बहकावा था और धोखा था, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे ऐसा बताते हैं कि हमारे साथ धोखा इसलिए हुआ कि कुछ ही दिनों बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाती है। नेताओं ने तैयारी कर रहे बच्चों से कहा, चुनाव में अपना हमारा साथ दो, फिर हमारी गवर्नमेंट फिर से स्थापित होती है बहुमत के साथ, तो हम बम्पर भर्ती निकालेंगे। 2022 का चुनाव संपन्न हो गया, बम्पर मतों से विजयी भी हुए और संपूर्ण वजूद की सरकार भी योगी आदित्यनाथ की पुनर्स्थापित होती है। योगी आदित्यनाथ सत्ता पर प्रतिष्ठापित होते हैं। 2022 का पूरा समय निकल गया, 2023 आता है। 6 जनवरी 2023 को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा फिर से भर्ती का ऐलान किया जाता है। उन्होंने कहा, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आरक्षी जीडी व अग्निशमन के 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन अति शीघ्र जारी होगा। सुरेश खन्ना का अति शीघ्र अभी तक नहीं आया, तुरंत, तत्काल, अति शीघ्र, तो यह इनका आता नहीं है, यह भाषा है और यहाँ इसके ऊपर की है। 10 जून 2023 को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 62,424 पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया जाता है, जिसमें संख्या भी बता दी जाती है कि 62,424 पदों की भर्ती होगी, जिसमें 52,699 पद पर पुलिस यानी सिपाही आरक्षी पद के लिए होंगे और 2469 पद सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक के लिए होंगे, जो दो स्टार लगाएंगे पीतल की धातु का, और इसके अलावा रेडियो कर्मचारियों के लिए
2430 पद होंगे, लिपिक संवर्ग के लिए 545 पद एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 927 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती किए जाने की तिथि का भी उल्लेख कर दिया गया, 15 जुलाई तक इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ऐसा दावा किया गया। दावे बार बार किए जाते रहे, यह भी दावा, इसके बारे में भी जान लीजिए। जुलाई बीत गया, अगस्त आया, 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया, फिर आ गया सितंबर, सितंबर का अवसान होने वाला है, अभी तक भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। योगी सरकार को नहीं मिल रही है भर्ती करने की उपयुक्त एजेंसी, आप सुनिए, कहा जा रहा है साहब कोई उपयुक्त एजेंसी ही नहीं मिल रही है जिससे कि हम भर्ती कराएं। बताते हैं कि प्रदेश सरकार ने परीक्षा कराने वाली एजेंसियों को आवेदन करने के लिए कहा, जिसमें यह मानक रखा कि लगभग 20-25 लाख अभ्यर्थी हो सकते हैं इस परीक्षा में, अब जिसकी औकात हो अब परीक्षा कराने के लिए आगे आए। बताते हैं कोई आया ही नहीं, और जो मानक हैं, जो हर्ताएं हैं, उसको फॉलो करने के लिए कोई कंपनी इसके लिए आगे नहीं आती। यह विश्वास करने लायक है, पता नहीं है कि नहीं है, आप जानेंगे, इसको समझिएगा कि कोई एजेंसी आती ही नहीं है। जहाँ तक परीक्षा संपादित करने वाली इतनी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें कोई कंपनी इसके लिए तैयार न हो, इस पर विश्वास कैसे किया जाए। बहरहाल यह अंदर खाने का विषय है। जैसा कि आपने देखा 2020-21 में सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद में की गई। जिन अभ्यर्थियों ने टाइप करने में सबसे खराब प्रदर्शन किया था, छः टाइप जिसने किया था 6 अंकों में, उनको 136 नंबर दिए गए, हाईएस्ट नंबर देकर सेवा का मौका दे दिया गया। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची भी चस्पा कर दी गई। चस्पा कहाँ की गई? विधानसभा के भीतर की गई, जहाँ कोई जाएगा ही नहीं। हाईकोर्ट ने पूछा तो कहा हमने साहब विधानसभा के भीतर चस्पा कर दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय भी विधानसभा में नहीं जाएंगे, पास बनना इतना आसान भी नहीं है। विधानसभा में बैठा हुआ जब कोई लोक सेवक, सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव कहेगा, तब फोन से बात होगी बाहर से, उसके बाद वह कहेगा तो आपका पास बनेगा, या फिर कोई विधायक अगर देगा ऐसे, उसकी भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि आप चले जाएंगे। बहरहाल इस मामले में भला हो उच्च न्यायालय का, इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का, जिसने CBI जांच बैठा दिया है, अभी यह जांच चल रही है, आगे क्या होता है देखिए, समय बताएगा। फिलहाल उनके जो भी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उसके रिश्ते नाते के लोग हैं, और खेल तमाशा करके नियुक्ति कर दी गई, वह लोग अपना काम कर रहे हैं, इस जांच में क्या होगा समय बताएगा। एजेंसियों का जो काम है भर्ती कराने का, उसमें काफ़ी जिम्मेदारी है, ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर के वेबसाइट पर सबलोड करना, समय समय पर उन्हें जो मेल दिए गए हैं अभ्यर्थियों के उस पर सूचना देना, फेसियल कैप्चरिंग स्कैन करना इत्यादि, मतलब किस तरह से शुचिता को रखा जाए, और इतने CCTV कैमरे उच्च स्तरीय लगवाना, ऐसे सेंटर वह परीक्षा केंद्र बनाना जहाँ की सारी सुविधाएं हैं। अब क्या होगा इस पर कोई अधिकारी भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक सामान्य वर्ग का सवाल है, 18 से 23 वर्ष की इनकी उम्र है, जो 18 के बाद से बच्चे अगर देख रहे होंगे और 18 साल उम्र उनकी हुई होगी, अब वो अवसान का समय उनका आ गया होगा, और वह इस भर्ती में अपने आप को शामिल नहीं कर पाएंगे। बच्चे बार बार कह रहे हैं उम्र बढ़ाइए, लेकिन शासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसा भी होगा आगे, फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, समय समय पर माननीयों से जो लड़के हैं वह कहते रहे हैं, माननीय भी लालीटाप थमाने में, उन्हें ऐसे बताने में वह काफ़ी माहिर हैं, और बच्चे हताश, निराश, बेबस और लाचार नज़र आ रहे हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, इस तरह से लालीपाप, इस तरह से धोखा देना, इस प्रकार बार बार कहना और फिर अपने वादे से मुकर जाना गंदी प्रवृत्ति का परिचायक है। इस पर ध्यान दें और अत्यल्प समय में भर्ती निकालें। नमस्कार, शुभकामनाएं।